कैसे हैं आप लोग? वेल, मेरा नाम ज्योति वत्स है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी 29th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की अपडेट, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन उसको शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक का अपडेट। अगर हम 29th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, तो ये हमारा फाइनल ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है, जिसे हिंदी में हम तीसरी तिमाही या आखिरी तिमाही बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत एक्साइटिंग फेज़ होता है, क्योंकि जो डिलीवरी की डेट है वो काफ़ी नज़दीक आने लगती है, तो डर भी थोड़ा बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट भी थोड़ी बढ़ जाती है अपने बेबी से मिलने की, उसको अपने हाथों में लेने की। और हाँ, अगर मैं ये बात करूँ कि बेबी में इस वीक क्या चेंजेस हो रहे होंगे, तो जो बेबी का जो ब्रेन है वो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। और जो बेबी के लंग्स हैं वो वैसे तो इस टाइम पे काफ़ी इमेच्योर होते हैं, बट हाँ, वो विद टाइम अगर धीरे धीरे अब वो बढ़ने लगते हैं ठीक, मतलब उसकी जो इम्प्रूवमेंट होने लगती है काफ़ी, अगर इस टाइम पे बेबी किसी भी रीज़न से पैदा हो जाता है, तो उसका सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 94% अराउंड उसका सर्वाइवल रेट होता है। और हाँ, अगर मैं बात करूँ किसी भी वेजिटेबल से या किसी फ्रूट से हम बेबी को कंपेयर करें, बेबी की लेंथ को, तो वो एक बटरनट स्क्वैश जितनी होती है, विच इज़ नियर अबाउट, मतलब 15 इंच के आसपास होती है। और अगर बेबी की वेट की बात करें, तो वो 2.5 पाउंड के आसपास बेबी का वेट होता है। और हाँ, इस वीक में अब आपको अपना कैल्शियम इनटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ता है। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही प्रेस्क्राइब किया है। और प्रोटीन को, इनटेक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए आपको। कैल्शियम जो बढ़ाने को जो ज़रूरी है, वो आपको मिल सकता है दूध से, दही से। इसके अलावा आप जो आपको दवाइयाँ भी दी गई होंगी, जैसे मुझे भी दी गई हैं कैल्शियम की दवाइयाँ, तो वो बहुत रेगुलरली लेनी है। दवाइयों को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि दवाइयाँ लेनी और खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी हेल्थ का ध्यान देना और अच्छे खाने का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं 29वें सप्ताह यानी कि 29th वीक की कुछ बेबी बम्स की पिक्स। ये जो बेबी बम्स हैं, ये बहुत क्यूट हैं, बहुत प्रिटी हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी ये बहुत क्यूट और अच्छी लग रही होंगी देखने में। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पिक्स आपको कैसी लगी। अपने इस वीक के सिम्टम्स की बात करूं, तो ये इस वीक के सिम्टम्स मेरे 28th वीक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं। हाँ, कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अब मुझे थकान काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लग गई है, और थोड़ी सांस फूलनी ज़्यादा शुरू हो गई है। और हाँ, इस वीक में 2-3 बार ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम कि मेरे को पैर में काफ़ी तेज़ क्रैम्प आया है, जो पहले नहीं आया था। बेबी शायद जो पैरों की नर्व्स है उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो पैरों में भी काफ़ी पेन है, बैक में भी पेन है, क्योंकि बेली थोड़ा बढ़ रहा है। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जो अब बेबी का जो वेट है वो हर दिन 30 ग्राम्स के आसपास बढ़ेगा, तो ये तो श्योरिटी है कि आपका जो जो बेबी बम्प है वो बढ़ने वाला है, और आपके बैक में स्ट्रेन आने वाला है। तो बैक पेन की प्रॉब्लम तो आई गेस होती हो ही जाती है प्रेगनेंसी में इस टाइम पे सबको। इसके अलावा हाँ, मैं जनरली एज़ पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मैं अपनी लेफ़्ट साइड पे ही सोती हूँ, क्योंकि इससे आपकी बेबी को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके अलावा जैसे इस वीक में मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो मेरी बीपी की रिपोर्ट भी ठीक आई, मेरी शुगर की रिपोर्ट तो पहले ही ठीक आ गई थी, मेरा वेट भी ठीक बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। और हाँ, अब मेरा जो विज़िट है इससे पहले, अभी सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके कुछ टाइम 1-2 वीक पहले तक, मेरा महीने में एक बार विज़िट जा रहा था डॉक्टर को। फिर इसके बाद अभी मुझे 3 वीक्स में एक बार डॉक्टर ने बुलाया था, और अब इस वीक के विज़िट के बाद डॉक्टर ने मुझे 2 वीक में एक बार बुलाया है। और डॉक्टर ने मुझे कीगल एक्सरसाइजेस प्रेस्क्राइब करी हैं, और रेगुलर वॉकिंग प्रेस्क्राइब करी है, और योगा के लिए बोला है कि योगा करो, माइल्ड योगा। तो इन सब के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ये सब करूं। बस अभी मेजर अपडेट तो यही था मेरे को जो फील है इस वीक का।
अगर मैं बात करूँ अपने अपकमिंग प्लान्स के बारे में नेक्स्ट वीक के, तो अभी जैसे मेरा 7th मंथ चल रहा है, तो वेडनेसडे को जनरली 7th मंथ में हमारे यहाँ पे जो है वो गोद भराई की रस्म रखी जाती है, जिसे हम बेबी शावर कहते हैं, वो प्लान करी हुई है फैमिली ने। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए और मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। बेसिकली इसमें गोद भराई की रस्म में पूजा की रस्म अदा करी जाती है, जिसमें कि जो औरतें होती हैं घर की, रिश्तेदार और आपके फ्रेंड्स, ये सब मिलके बच्चे को ब्लेसिंग्स देते हैं, गुड विशेस देते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी सी रस्म है जो बहुत आपको अच्छा महसूस कराती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गोद भराई की रस्म होने वाली है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी अपडेट्स और उसकी पिक्चर्स। और हाँ, इसके अलावा इस कमिंग वीक में मैंने जैसे आपको बताया कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराना है, तो वो मेरा भी प्लानिंग में चल रहा है। और बस इसके अलावा हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं बेबी की जो मैंने नहीं बाय करी हैं, तो अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा बेबी की कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और डिलीवरी के बाद। तो उसके लिए मुझे अब शॉपिंग करनी शुरू करनी पड़ेगी। बस इस वीक का तो यही अपडेट था और नेक्स्ट वीक की मेरी यही प्लानिंग थी। बाकी अब मैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके सामने आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट अपडेट। तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.